कैसा साउंड हो रहा है देखो दोस्तों, बेरिंग खराब हो चुका है, उसको बेरिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम उसको उसको खोलेंगे और बेरिंग चेंज करेंगे। बेरिंग खराब हो चुका है, उसको निकालना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये बेरिंग पुलर है और उसको हम बेरिंग में फंसा दिया और उसका बीच में एक प्लेट डालना पड़ता है। उसके बाद उसको टाइट करते करते, धीरे धीरे टाइट करने से पुलर के माध्यम से बेरिंग ऊपर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, कैसी बेरिंग निकलता है देख लीजिए। इसमें मैं बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहा हूँ। ये देखिए टाइट हो गया। अभी धीरे धीरे उसको घुमाए, टाइट किए करिए और वो बेरिंग ऊपर उठते उठते आ जाता है। देखिए आ गया। देखिए दोस्तों, बेरिंग कैसे पूरा आसानी से निकल आया। फिर उसका पत्ती खुलने के बाद वो फ्री हो जाएगा और बेरिंग निकल जाएगा। ये बेरिंग बहुत खराब हो चुका है, पूरा खराब हो चुका है, उसको हम चेंज करेंगे। नया बेरिंग लगाएंगे। बासठ जीरो एक बेरिंग है, 62.01। देखिए दोस्तों, ये एक लकड़ी का गुटका है, मैं उसी के सहायता से हमर से मरकर बेरिंग को बिठाऊंगा। देख लीजिए कितना आसानी से बैठ जाता है बेरिंग। बस हो गया दोस्तों, बैठ गया बेरिंग। इसमें थोड़ा वार्निश डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि ये पूरा पेपर झड़ रहा है थोड़ा बहुत, इसीलिए खुलने के बाद तुरंत वार्निश डाल देने से अच्छा रहता है, क्योंकि पेपर और झड़ेगा नहीं, बड़ी शर्ट और होगा नहीं, इसीलिए दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा वार्निश डाल देते हैं इसमें। अब दोस्तों, ऊपर वाला बेरिंग को खोलेंगे, वो पंच के माध्यम से हमर से मार के खुल सकते हैं, बहुत आसानी से खुल जाती है ये। देखिए दोस्तों, ये बेरिंग भी बहुत ख़राब हो चुका है, इसलिए साउंड ज़्यादा हो रहा था, तो हम उसके बदले में नया बेरिंग लगाएंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 6202 का बेरिंग लगाएंगे। फिर उसी तरह दोस्तों, ये थोड़ा सपाट नीचे में रख के गुटका के माध्यम से बिठाएंगे उसको। नीचे में सपाट रहने से अच्छी तरह से बैठ जाता है। बस हो गया दोस्तों, हो गया, कितना अच्छी तरह से बैठ गया। अब हम ऊपर वाला ढक्कन लगाएंगे, उसको थोड़ा सा अच्छे तरह से दबा के बिठाना पड़ेगा, नहीं दब रहा दोस्तों। उसको हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से हम बिठाएंगे। देखिए कैसे हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से ऊपर ढक्कन
को कैसे बिठाया जाता है। धीरे धीरे बैठ जाता है। देखिए दोस्त हो गया बस। अब दोस्तों इसमें पहले रिंग बिठाएंगे। रिंग बैठ जाने के बाद हाँ पूरा फ्री घूम रहा है। अब उसका नीचे वाला ढक्कन लगाएंगे। फिर देखिए दोस्तों उसका जो होल है, नीचे वाला होल और ऊपर वाला होल को समान करके उसको प्रेस करके दबाना है। देख लीजिए। फिर उसका नट टाइट कर देंगे। होल बराबर रहना चाहिए। उसको नट टाइट कर देंगे। तीनों स्क्रू को टाइट करके देखेंगे उसके। हो गया। अब फ्री भी है, फ्री भी घूम रहा है। अब देखेंगे कितना फ्री है। देख लीजिए बहुत अच्छा घूम रहा है। देखिए वह अब एक कैपेसिटर को हम चेक करेंगे वो सही है कि नहीं। देख लेते हैं। देखिए दोस्तों स्पार्क नहीं हो रहा है। ये ख़राब हो चुका है ये कैपेसिटर। नहीं काम नहीं कर रहा। देखिए स्पार्क नहीं हो रहा। फिर हम नया कैपेसिटर लगाएंगे इसमें। देखिए मेरे पास नया कैपेसिटर भी है। 2.5 का MFT का कैपेसिटर, उसको हम इसमें लगाएंगे और कनेक्शन करेंगे दोस्तों। देखिए उसको भी टेस्ट कर लेते हैं कैपेसिटर को। नया कैपेसिटर देख लीजिए कैसा आवाज़ आता है, स्पार्क कैसा आता है। ये लाल वाला कॉमन है और ये एक रनिंग एक स्टार्टिंग। ये जो कैपेसिटर का दो वायर जो दिख रहा है वो एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में जॉइंट कर लेते हैं पहले। और लाल वाला तो कॉमन है। कॉमन में एक इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा और एक वायर रनिंग का तार जो है उसमें दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है अब हम उसको लगा के फिटिंग कर देते हैं, स्क्रू टाइट कर देते हैं। अब हम उसको सीरीज बोर्ड से चेक करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे चलता है। देखेंगे देखिए कितना अच्छा तरह से कितना स्पीड से चल रही है। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। जय हिंदी।